जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2022-23 का नया नोटिफिकेशन आ चुका है, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अब इस वीडियो में उसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में जानकारी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो क्या है नया पैटर्न, उस पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये टोटल 70 पेज का नोटिफिकेशन है, जिसमें हमने 13वें नंबर पेज पे ये ओपन किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देर आर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन टू टायर्स एज इंडिकेटेड बिलो, यानी कि ये दो टायर में आपका पेपर होगा, टायर 1 और टायर 2। अब बात करते हैं पहले टायर की। तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, ये यदि आप नए कैंडिडेट हैं, अभी तक आपने एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, एसएससी सीएचएसएल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उस पर हमने एक अलग से वीडियो बना दिया हुआ है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको इसके बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर आपका एसएससी टायर 1। अब ये आपका जो सिलेबस है पुराने के हिसाब से है, इसमें पैटर्न आपका सेम टू सेम वही है। 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, उसके बाद आपका मैथ, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस यानी जीएस, जनरल अवेयरनेस, ये आपका टायर 1 का है। यहाँ पे आपके 1 प्रश्न 2 मार्क्स के हैं, ध्यान देना है आपको, 1 प्रश्न 2 नंबर का है। तो आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं और 200, मेरे ख्याल से यहाँ पे दिख ना रहा हो, 200 मार्क्स होते हैं आपके। 100 प्रश्न हो गया, 200 मार्क्स का हो गया। समय आपको यहाँ पे 1 घंटा दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो आपकी है वो 1/4, 1/4 निगेटिव है, यानी कि आपके 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे, समझ रहे हैं। आपके 2 नंबर का 1 प्रश्न है, अगर आपका 1 प्रश्न गलत होता है तो आपका आधा नंबर काटा जाएगा। आपका निगेटिव 1/4 है टायर 1 में। चलते हैं टायर 2 पे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निगेटिव मार्किंग, 0.5 मार्क्स आपका काटा जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे टायर 2 को, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो टायर 2 है, ये आप दिख रहा होगा, ये 2 सेशन में डिवाइड है और उसके बाद 3 सेक्शन में डिवाइड है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो टायर 2 है 2 सेशन में डिवाइड है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक पहले सेशन में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से हर सेक्शन आपका 2 मॉड्यूल में डिवाइड है। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका हो गया सेक्शन, ठीक, सेक्शन सॉरी, ये आपका हो गया सेशन। फिर ये सेशन आपका सेक्शन में डिवाइड है, ठीक, 2 सेक्शन हो गए, 3 सेक्शन हो गए, ये आपका सेक्शन में डिवाइड है, 1, 2, ठीक, 3 हो गए। उसके बाद फिर आपका हर सेक्शन 2 मॉड्यूल में डिवाइड है, इस तरह से, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, फिर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, इस तरह से आपका। और यहाँ पे जो सेशन है ये भी आपका पहले सेशन में आपके यहाँ पे पहले सेशन में आपके 3 सेक्शन, और यहाँ पे मैं इसमें इसी से समझा देता हूँ आपको। देखिए ये जो पहला सेशन है आपका, इस पहले सेशन में आपके यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। पहले सेशन में यहाँ पे आपके 1 सेक्शन ये हो गया, 1 सेक्शन ये हो गया,
और इसी में आपका एक सेक्शन ये हो गया। ठीक, ये तो आपके हो गए तीन सेक्शन। अब इस सेक्शन में आपके दो मॉड्यूल हो गए। तो जो सेक्शन वन का मॉड्यूल है, अब ये सेक्शन अलग अलग क्यों है? ये सेक्शन अलग अलग इसलिए है क्योंकि आपको अलग अलग सेक्शन में आपको पास होना है, इस वजह से यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बनाया गया है। अब इस सेक्शन में आपके दो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल वन में आपका मैथ है और मॉड्यूल टू में आपका रीजनिंग है, जो कि 30-30 क्वेश्चन के हैं। तो दोनों को मिला के 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो 180 नंबर का आपका आपका ये सेक्शन वन हो गया। उसी तरह, और इसका टाइमिंग यहाँ पे 1 घंटा दी गई है सेक्शन वन की। उसी तरह सेक्शन टू जब आपका आएगा, तो इसमें मॉड्यूल वन में आपकी इंग्लिश है और मॉड्यूल टू में आपका जनरल अवेयरनेस है। इसमें 40 आपकी इंग्लिश रहेगी, 20 आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। 40 20 60 मिला के 180 आपका ये हो जाएगा मार्क्स, 60 क्वेश्चन के, और 1 घंटा आपके लिए इसको समय दिया जाएगा। फिर आप जब सेक्शन थ्री में आएंगे, तो सेक्शन थ्री में सिर्फ आपको एक मॉड्यूल इसमें रखा गया है, इसमें मॉड्यूल टू नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, हर सेक्शन में दो मॉड्यूल हैं लेकिन इसमें सिर्फ एक मॉड्यूल है। इसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, यहाँ पे आपके 15 नंबर कंप्यूटर के रखे गए हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। और यहाँ पे 15 या 45 45 नंबर के आपका कंप्यूटर है, इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाए। ठीक, तो आपका जो सेशन वन है, थोड़ा सा आप सेक्शन और सेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। सेशन बड़ा पार्ट है और सेक्शन उसका छोटा पार्ट है। तो जो सेशन वन आपका है यहाँ पे, थोड़ा सा दूसरे कलर पे लेता हूँ। ठीक, तो आपका जो ये सेशन वन है, ये आपका 2 घंटे 15 मिनट का हो गया। कैसे हो गया? सेक्शन वन का आपका 1 घंटा, सेक्शन दो का आपका 1 घंटा, 2 घंटा हो गया। फिर सेक्शन थ्री का आपका मॉड्यूल वन का 15 मिनट, जो कि यहाँ पे है। ठीक, ये वाला आपका, ये वाला, तीनों जुड़ के यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट के आपका सेशन वन हो गया। जब आपका सेशन वन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको सेशन टू, फिर आपका स्किल टेस्ट के लिए है। अब सेशन सेशन टू में आपका जो इस सेक्शन थ्री का मॉड्यूल टू बचा हुआ था, वो आपका मॉड्यूल टू इस सेक्शन थ्री का इसमें होगा। समझने की कोशिश थोड़ा सा आप करिए। ठीक, इसका जो मॉड्यूल टू यहाँ पे नहीं था, अब ये यहाँ पे हुआ। सेक्शन थ्री यही है, सेक्शन थ्री का यहाँ पे मॉड्यूल सेशन टू में कराया जा रहा है। अब ये सेशन टू आपका ये भी उसी दिन होने वाला है, सेम डे आपका होगा। तो ये आपका देखिए यहाँ पे स्किल टेस्ट फॉर DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और वहीं पे टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC एंड JSA लोअर डिवीजन क्लर्क, और यहाँ पे JSA यानी जो दिया गया है, इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ये स्किल टेस्ट है मॉड्यूल टू सेक्शन थ्री का। अब इसके बारे में नीचे डिटेल में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे वही चीज़ दिया है, टायर टू विल इंक्लूड फॉलोइंग थ्री सेक्शन जो हमने डिस्कस किए, हैविंग टू मॉड्यूल रीच। हर सेक्शन में दो मॉड्यूल हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बशर्ते यहाँ तक जो मॉड्यूल दिया गया है, यहाँ तक देखिए, ये इतना जो मॉड्यूल है, यहाँ यहाँ तक, ज़्यादा दूर हम लेके चले गए, इतना जो पार्ट है, इतने के लिए आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखनी होगी। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो ये पार्ट है, फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ऊपर आपकी 1/4 निगेटिव थी, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे 3 नंबर दिया गया है, यहाँ पे आपकी 1/3 निगेटिव है, यानी कि आपका 1 नंबर कटेगा यहाँ पे, अगर आपका गलत होता है तो 1 नंबर आपका यहाँ पे कटेगा। ठीक, कहाँ तक है? यहाँ तक के लिए, इस वाले पार्ट तक के लिए, जो आपका 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होने वाला है। अभी यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम, दिया भी है यहाँ पे कहीं पे,
दोस्तों यहाँ पे दे रहा है इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल सेक्शन, सेक्शन यहाँ पे दिया है सभी, आपको जो तीनों सेक्शन है आपको सभी सेक्शन सेक्शन पे आपको क्वालिफाई करना है। और यहाँ पे जो मॉड्यूल टू है ऑफ सेक्शन थ्री जो स्किल टेस्ट वाला है, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसको सिर्फ आपको पास करना है बस। और यहाँ पे देखिए दे रहा है द मॉड्यूल टू ऑफ सेक्शन थ्री विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट ऑन द सेम डे, यहाँ पे दे रहा है साफ साफ जैसा कि मैंने बताया हुआ है, ये उसी दिन होना है। ठीक, इधर आपका यहाँ पे 2 डेसिमल तक प्लेसेस तक आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दे रहा है स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे सभी को स्किल टेस्ट देना है। पार्ट ए स्किल टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, यहाँ पे आपकी एंट्री स्पीड 8000 की डिप्रेशन पर हावर ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए, विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट एंट्री ऑफ द वर्ड की डिप्रेशन एज पर गिवन पैसेज, जो पैसेज आपको दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, मिनट एंड प्रिंटेड मैटर ऑन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 2000 से 2200 की डिप्रेशन वुड बी गिवन टू ईच कैंडिडेट वुड हु वुड इंटर द सेम इन कंप्यूटर, द पैसेज टू बी इंटर इन कंप्यूटर में ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन में पैसेज दिया जाएगा, उसी को आपको देख के टाइप करना होगा। जिसको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है आँख में उनको 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, उनको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर पोस्ट यानी LDC और JSA जूनियर असिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए आपको यहाँ पे 35 वर्ड आपका इंग्लिश में होना चाहिए। और अगर आप हिंदी करते हैं तो आपको 30 वर्ड आपका हिंदी में होना चाहिए। हिंदी मीडियम 30 वर्ड और इंग्लिश के लिए आपका 35 वर्ड होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए है। यहाँ पे LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क और JSA के मतलब होता है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट होता है। द स्पीड विल बी एडजस्टेड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर गिवन टेक्स्ट पैसेज इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर आपको वहाँ पे करना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका स्किल वाला और आपका टायर टू का सिलेबस पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे आता है डिटेल सिलेबस, तो डिटेल सिलेबस मेरे ख्याल से तो पुराना वाला ही है, कुछ इस पे नया नहीं है। इंडिकेटिव सिलेबस टायर वन, अब इस पे हम अगर एक एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे थोड़ा सा धीरे धीरे चला देता हूँ, जिससे कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए, या फिर इसका हम PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम पे जाके वहाँ से डाउनलोड करिएगा। मैंने इसका PDF सिलेबस का अलग से शॉर्ट PDF बना लिया है, अब उसको सिर्फ हमें आपको देना है। यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश में यहाँ पर सारे चैप्टर दिए हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, उसके बाद आपका यहाँ पर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है यहाँ पे, और इसके बाद टायर टू का सिलेबस यहाँ पे दिया है, नंबर सिस्टम है। टायर टू में यहाँ पे ज़्यादा चैप्टर नहीं दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम फंडामेंटल मैट्रिक ऑपरेशन है, अलजेब्रा ज्योमेट्री सभी कुछ फिलहाल दिया गया है, यहाँ पे स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी भी दिया गया है, अभी तक ये देखिए प्रायिकता छोड़ देता था लेकिन इस बार यहाँ पे प्रायिकता भी दिया गया है, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगा आपको। मॉड्यूल टू सेक्शन रीजनिंग दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, और यहाँ पे एक बार नया सिलेबस आ गया, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेसिक्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है, CPU इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट, सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट,
उसके बाद इंटरनेट, यहाँ पे ईमेल के साथ डाटा हैंडलिंग, और यहाँ पे जितनी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इस सभी पे अलग से एक बुक बना रहे हैं जो कि आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। आपके फॉर्म ख़त्म होने से पहले ही हम वीडियो, अगर इसी वीडियो में हो सकेगा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तुरंत नहीं तो आपको 2-4 दिन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब आप वीडियो आज के बाद, अगर 6 दिसंबर के बाद जब भी आप देखेंगे तो आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसको PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बुक तैयार हो गई है, उस पर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव मुझे डालना था, इस वजह से ऑब्जेक्टिव भी डाला जा रहा है, तो थोड़ा समय लगेगा। अभी CGL का एग्ज़ाम मेरा 12 को है, तो 12 तारीख एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद कोशिश रहेगी आपको जल्द ही जल्द बुक मिल जाएगी। बाकी फिर यहाँ से एडमिशन अब प्रोसेस ख़त्म होता है, तो इसी कंप्यूटर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द आपको बुक प्रोवाइड करा सकें, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर हमारे टेलीग्राम पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका नया पैटर्न, सिलेबस कैसे क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चेंज हुआ है, और क्या इस बार नया जोड़ा गया है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।